और ये गंदा है। कितने का दे रहे हो भैया? हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल नैनाज वर्ल्ड। आज का वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हाल ही में गई थी सरोजनी नगर और जहां का मैंने पूरा मार्केट का वीडियो बनाया है जो डिस्क्रिप्शन में भी या फिर आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी मैं आपको बताऊं कि सरोजनी नगर बहुत ज्यादा चीप मार्केट है, यहां पर बिल्कुल ट्रेंडी फैशन मिलते हैं इन अ वेरी गुड बजट। और मैंने वहां से करी है बहुत सारी शॉपिंग जो मेरे चारों तरफ फैले, समझ नहीं आ रहा है कहां से मैं स्टार्ट करूं। तो मैंने सोचा कि अगर आप लोगों को एक मार्केट के टूर के साथ साथ हॉल वीडियो भी बता दिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट को कितना कितना प्राइस आपको देना चाहिए मार्केट में। तो बहुत ज्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं हॉल वीडियो की तरफ। तो चलो चलते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट जिसको मैं आपको बताने वाली हूँ वो होने वाले हैं बहुत सारे बैग्स। ये बैग जो है आपको मार्केट में हर जगह मिलने वाले हैं और बहुत अच्छी डील है गाइस। तो अगर आप सरोजनी जा रहे हैं तो बैग तो आपको लेके आना ही है। तो ये जो झोला है इसका कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, आप बस चलते जाइए, आपको वो लोग खुद ही आकर अप्रोच करेंगे कि आप ये ले लीजिए वो ले लीजिए। तो ये जो झोला है ये दो क्वालिटी में था, 80 रुपीज वाली भी है, 150 वाली भी थी। तो आप जो है इसे 100 रुपीज का कोट कर सकते हैं और इसमें बहुत ज्यादा स्पेस आ जाता है गाइस। देख रहे हैं आप इतना ज्यादा स्पेस है इसमें कि आराम से आप अपनी सारी शॉपिंग की चीजें कैरी कर सकते हैं और इजिली आप मार्केट में इसे कैरी करके घूम सकते हैं। सबसे पहले मैं इसकी बात करूं, एमके का कॉपी है गाइस, बट सच बताओ ये इतना ज्यादा प्रिटी एंड क्यूट था कि मुझे को लेना ही था। इसमें आपको पॉकेट वगैरह बहुत अच्छे मिल जाएंगे, चेन की डिटेलिंग भी बहुत अच्छी है, क्वालिटी सुपर अमेजिंग है। और अगर यहाँ पर हम मेन चेन की बात करें, यहाँ पर आपको दो चेन ऑलरेडी मिलते हैं एंड अंदर बहुत अच्छा स्पेस मिलता है। मैं तो ऐसे कूड़े के साथ ही इसको लेके आ गई थी। तो ये बैग 350 का था। यही से मेरा जो सेकंड परचेज था ये था, ये स्लिंग। मैं ब्लैक बैग बहुत टाइम से ढूंढ रही हूँ बट प्राइस हमेशा 700-800 मतलब अबव 1000 होता है, बट इसकी सुपर डुपर क्वालिटी है गाइस। एक तो क्वालिटी अच्छी है, ऊपर से अगर मैं बात करूं तो ये वाले जो बैंड है, चौड़े बैंड है, आजकल बहुत ज्यादा इन ट्रेंड है। और अगर इसकी बात करें डिजाइन की तो यहां से ऐसे खुलेगा, अंदर बहुत ज्यादा सुपर स्पेस मिलेगा और जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा सुपर अमेजिंग है। मैंने इसे वहीं पे ही यूज कर लिया था। फर्स्ट बैग जिसकी बात करूं ये है वो प्यारा प्याला स्लिंग, जिसका कलर बहुत ज्यादा प्यारा क्रीमी चॉकलेटी कलर है। और इसका प्राइस अब मैं आपको बताऊं ये ओनली एंड ओनली 300 रुपीज का था गाइस। इतना चीप जो बैग है आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलने वाला है। बात करूं ये वाला जो शॉप है दैट इज 116 और इसमें जो है अंदर आपको इस तरह की स्पेस मिलेगी। मैं कूड़े के साथ ही ले आई। तो ये है बैग है, इसके अंदर आपको इस तरीके का स्टफ मिलेगा बहुत प्यारा, बस एक ही आपको चेन मिलेगा। ये बहुत इजी है आजकल वुमेन्स के लिए या हमारे लिए, हम छोटी छोटी चीजों में या फिर पार्टीज में आप इसे ऐसे करके कैरी करके जा सकते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर है। इसका प्राइस था 300 रुपीज। नेक्स्ट होने वाला है ये टोट बैग जो बहुत ज्यादा वायरल है, ये आपके पास आपको ना हर किसी के पास दिखने वाला है गाइस। मैंने इसे पाया है ओनली एंड ओनली 300 रुपीज का। इसकी क्वालिटी सुपर डुपर अमेजिंग है। ये ना आजकल जो जूट वाले या क्या बोलूं खादी वाले कपड़े टाइप का आ रहा है उसका बैग है और सुपर डुपर स्पेशियस है। तो ये मैंने अपनी दीदी के लिए लिया था क्योंकि वो काफी बच्चों के साथ जो है सामान कैरी करती है। तो दिस इज द टोट बैग जिसके अंदर आपको ना फर्स्ट चेन मिलेगी इस टाइप की एंड देन उसके बाद आपको इतना सुपर डुपर स्पेस मिलेगा और यहाँ पर एक छोटा और मिनी पॉकेट भी है। नेक्स्ट अगर बैग की बात करूं तो ये होने वाला है प्यारा सा सनफ्लावर वाला बैग। ये ना आपको हर जगह डिफरेंट डिफरेंट प्राइस कोट किया जाएगा, आपको पूरी मार्केट में मिलने वाला है। बट आई सजेस्ट यू कि आप ये ना स्टार्टिंग में मतलब सरोजनी नगर का जो गेट है ना उसके जस्ट बाहर पे, गेट नंबर 2 के जस्ट बाहर से आप ले लेना। इसका प्राइस वो लोग आपको 200 रुपीज कोट करेंगे या फिर 250 भी कह सकते हैं क्वालिटी के अकॉर्डिंग। चैन वाले का अलग था और हमने बिना चैन वाला लिया था, तो हमने इसको लिया था ओनली एंड ओनली 110 रुपीज का। नेक्स्ट बैग होने वाला है हमारा ये बैग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैग है, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर आपको जो है आप ये वॉशिंग का सामान वगैरह रख सकते हैं या फिर आप लोग कैरी जब आप ट्रेवल वेवल करते हैं तो आपको इस टाइप का बैग की बहुत जरूरत पड़ती है जो हैंडी होता है और सारा सामान इसमें आ जाएगा। मस्ट बाय फॉर यू गाइस क्योंकि ये बहुत ज्यादा चीप मिल रहा है, इतना चीप तो आपको मीशो में भी नहीं मिलने वाला है। तो अगर मैं इसकी बात करूं ये होने वाला है सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन के जस्ट बाहर से ही आधी मार्केट स्टार्ट हो जाती है, तो वहां पर जो सबसे वर्थ बाइंग था दैट इज 100 रुपीज की फोर जो है प्यारी प्यारी क्लेचर्स में। मुझे एक मिला है फ्लावर वाला, मैंने एक किया है पिंक कलर का प्यारा प्यारा फ्लावर वाला। नेक्स्ट मैंने लिया था ये ब्लू कलर का प्रिटी वन जिसमें बेज एंड व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सबसे क्यूट वाला है ये व्हाइट कलर का फर वाला है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, आप इसे थोड़ा गंदा कर सकते हो।
फर्स्ट थिंग कपड़ों में हम जिसकी बात करेंगे वो होने वाली है ये दो प्यारी प्यारी कलर की मैक्सी, जिसमें पर्पल कलर एंड मैं दूसरा कलर लेके आई हूँ ब्लू कलर। तो गाइस हमेशा ना शॉपिंग अपने लिए अपनी फैमिली के लिए भी करनी चाहिए, क्योंकि मम्मियां जो है हमारी कभी कुछ नहीं मांगती है, बट हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए भी शॉपिंग करें। तो ये जो अगर मैं आपको इसकी बात करूं मैक्सी की, तो इसका कपड़ा बहुत प्यारा एंड कम्फर्टेबल जो है कॉटन का कपड़ा होने वाला है, कलर भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो इसका जो लोकेशन था वो था बाबू मार्केट के पास, तो बस आपको ये बाबू मार्केट की तरफ जाना है। और प्राइस इसका कोट किया था ओनली एंड ओनली 300 रुपीज। नेक्स्ट होने वाली है ओवरसाइज टी शर्ट, तो मैंने अपनी पूरी फैमिली के लिए ओवरसाइज टी शर्ट लिए हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं एंड बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने जो है सबसे पहले ब्लैक कलर का लिया था, जिसमें लिखा हुआ है लायन किंग, जो एक टाइम में सबका फेवरेट कार्टून हुआ करता था। इसके पीछे बहुत प्यारे से जो है दो सिम्बा है आई गेस ये बने हुए हैं, दो सिम्बा बने हुए हैं। अगर हम ब्लू कलर की बात करें तो ब्लू कलर में बना हुआ है आजकल का ये फेमस गेम, जिसमें लिखा हुआ है फनी वगैरह और इस टाइप का मस्त प्रिंट दिया हुआ है बैक में। नेक्स्ट वन इज अ पिंक वन, जो बहुत ज्यादा प्यारा है, बट इसका कपड़ा थोड़ा सा थिक है गर्मियों के लिए, इट्स नॉट दैट गुड, और हम लोग ठंडो होने वगैरह पहन सकते हैं। नेक्स्ट है रेड कलर का ये, जिसमें लिखा हुआ है हाई और पीछे लिखा हुआ है बहुत प्यारा सा प्रिंट। ये एकदम मुझे इंडिकेट करता है जब मैं काम नहीं करती तो मैं ऐसे सोई रहती हूँ। नेक्स्ट वन इज दिस, जिसमें लिखा हुआ है वन पीस, और मैं लाइफ में वन पीस हूँ तो मैंने सोचा कि ये टी शर्ट तो बनती है। नेक्स्ट जो चीज मैंने परचेज करी है वो है शर्ट। ये दोनों शर्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सबसे पहले जिस शर्ट की बात करूंगी वो है ये वाली, ये आपको पूरे मार्केट में दिखने वाली है, आपको स्पेसिफिक शॉप की जरूरत ही नहीं है। और इसका कपड़े का मटेरियल इज वेरी गुड कॉटन, और ये ना मैंने वहीं पे पहन लिया था क्योंकि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कॉटन था पिंक कलर का। ये जो पिंक कलर की प्रॉपर शर्ट है, इसका कपड़ा बहुत ज्यादा सुपर अमेजिंग कॉटन है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कॉटन है, और प्राइस मैंने इसके लिए पे किया था 200 रुपीज। नेक्स्ट थिंग होने वाले हैं ये प्यारे प्यारे स्वेटर। आपको पता है कि सरोजिनी नगर मार्केट में अभी विंटर और समर दोनों का कलेक्शन आ रखा है, तो अभी जो है बेस्ट टाइम है, क्योंकि विंटर के जो स्टफ है वो बहुत चीप प्राइस में मिल रहे थे। तो मैंने यहाँ से दो स्वेटर लिए हैं, मैं इनको नहीं जानती क्या कहते हैं, बट आई रियली वॉन्ट, आजकल लोग ना ऐसे स्टाइल करते हैं, तो मुझे जो है ओवरसाइज टी शर्ट के साथ या शर्ट्स के साथ इसे ट्राई करना था, तो मैंने इसे परचेज किया। और मैं आपको बताऊं पूरे मार्केट में ना ये स्वेटर आपको बहुत जगह मिलेंगे और डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में, 300, 350, 400 अलग अलग, बट प्लीज आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और आप लोग को ट्राई करना है दैट वो क्या बोलते हैं उसको धड़िया वगैरह ट्राई करना है, जिसमें मुझे ये मिला था 100 रुपीज का। आई डोंट बिलीव दिस, इसमें इतना प्यारा सा ग्रीन और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन है, इसे अगर आप अपने शर्ट के साथ पेयर करने वाले गाइस आप बहुत ऑसम लगेंगे। होने वाली है दिस, इतना प्यारा बेज एंड क्रीम कलर का प्रिंट, इतना सुपर अमेजिंग, कपड़ा भी बहुत ज्यादा थिक है, और 100 रुपीज में मैंने इसे पाया है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट डील जो मुझे लगती है सरोजनी मार्केट में, मैंने परचेज करी थी उसमें। ड्रेस मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया था कि मुझे एक पिंक कलर की ड्रेस इतनी प्यारी लगी थी, जिसका प्राइस 350 रुपीज था। ये वाला जो ड्रेस है ना आपको पूरे मार्केट में भी मिलेगा, बट अंदर अगर आपको कॉस्ट करेंगे लाइक 400, वो थोड़ा सा भी बार्गेन करेंगे नहीं, मतलब आपको प्राइस इसकी 600 रुपीज बोलेंगे अगर आप मेन शॉप में जाते हैं, बट अगर आप धड़ियों से जाते हैं तो वहां बार्गेन कर भी नहीं सकते और जो एक प्राइस है बस उसमें उठा के ले आते हैं। तो दिस इज द ड्रेस, ये पिंक कलर की बहुत खूबसूरत कॉटन की ड्रेस है, जिसका नेक एकदम एप्रोप्रिएट है जैसा मुझे चाहिए होता है। और अगर इसके कपड़े की बात करें बहुत सुपर डुपर जो है कंफर्टेबल कपड़ा है। इसकी लेंथ की बात करें तो एकदम प्रॉपर मैक्सी ड्रेस है, और इसके नेक में इस टाइप की रफल डिटेलिंग है। अगर आपका साइज भी बड़ा है ना तो इस टाइप का देखो इलास्टिक बैंड आपको मिल जाएगा, तो ज्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। नेक्स्ट होने वाला है ये बेल्ट। मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को जो है अपने जो ओवर साइज जो जैकेट्स होते हैं या फिर जो कोट होते हैं उसे बेल्ट के साथ पेयर करना था, तो मैंने ये बेल्ट लिया है, जिसका प्राइस मैंने दिया था उन्होंने 100 रुपीज। गाइस वो बहुत ज्यादा कोट करते हैं, बट आप लोगों को बार्गेन करना पड़ेगा, आपकी बार्गेन की स्किल जो है बिल्कुल 100 notch होनी चाहिए। ये वाला बेल्ट, ये एकदम बॉयज वाला बेल्ट है। इस बेल्ट की अगर मैं बात करूं ना, ये बेल्ट मुझे जो है रस्ते में ना वो बेचते रहते हैं आपको कि मैडम ये ले लीजिए वो ले लीजिए, ऐसे चुपके से बेचते हैं जैसे कि चोरी का ही माल बेच रहे होंगे। तो ये जो है वो कोट करे थे 600 रुपीज, और मैंने कहा 100 रुपीज का देना है तो दे दो, तो ये उन्होंने मुझे 100 रुपीज की बेल्ट दी है, जिसकी क्वालिटी सुपर डुपर अमेजिंग है। प्यारी प्यारी ट्रेंडी इयररिंग्स, तो ये जो इयररिंग्स है ये मैंने ली थी सरोजिनी नगर जो मेट्रो स्टेशन है उसके जस्ट बाहर आकर, आपको ये है नीचे जो है बिछाकर चादर बिछाकर वो लोग बेचते हैं, इनका प्राइस वो लोग 100 रुपीज का कोट कह रहे थे, तो मैंने जो पसंद आया उनमें से सिर्फ 3 लिया है और जिनका प्राइस था 25 ईच।
जो डेनिम की कैप है इनका प्राइस वो लोग कोट कर रहे थे 350 रुपीज, बट हमने बहुत बार्गेन करने के बाद 250 में लाया। एक्चुअली हम 200 की कोशिश कर रहे थे बट मिल नहीं पाई। तो ये जो क्वालिटी है ओके लगी, मतलब लाने के बाद मुझे लगा कि हमें सिंपल वाला ले लेना चाहिए था क्योंकि बहुत कम आउटफिट में जाता है, बट फिर भी अच्छा है। ये ग्रे वाला तो बहुत ज्यादा ऑसम है। लास्ट बट नॉट लीस्ट होने वाला है ये प्यारी सी जूतियां। तो ये जो जूतियां हैं ये मेट्रो स्टेशन के बाहर भी मिल रही थी, बट वहां से मत लेना, उनकी क्वालिटी एक दो बार में खराब हो जाएगी। ये शॉप नंबर है 116 जहां पर आपको बैग्स भी मिलेंगे और साथ में मिलेंगी प्यारी प्यारी जूतियां। इस जूती की सबसे अच्छी बात पता है क्या, इसके अंदर कुशन्स है। ये देख रहे हो आप, कुशन जैसी डिटेलिंग है जिसकी वजह से क्या होगा ना, आपको एक जो है सरफेस जो है बहुत अच्छा सॉफ्ट मिलेगा। तो आपको ये काफी देर तक आप इसे पहन सकते हो, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो सुपर सुपर डुपर नॉच है, और इसकी प्राइस थी ओनली एंड ओनली 200 रुपीज। दैट्स इट फॉर द सरोजनी हॉल गाइस। आप मुझे जरूर बताना कि आपका कौन सा फेवरेट प्रोडक्ट था, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको हॉल वीडियोस देखना पसंद है, शॉपिंग ब्लॉग्स देखना पसंद है, तो जल्दी जल्दी जाकर कर दीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।